बबीना कस्बे में निवास करने वाले MES के प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित ठेकेदार रितिन टंडन के फर्म मेंबर्स रितु टंडन ने सैनिक क्षेत्र में स्थित गोदाम से 14 अक्टूबर 2022 को अज्ञात चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया था, जिसकी सूचना फर्म के मालिक रितिन टंडन ने बबीना थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने जांच करने के बाद 17 अक्टूबर को अज्ञात चोरों के खिलाफ बबीना थाने में मामला पंजीकृत कर लिया था। आज मेंबर्स रितु टंडन फर्म के मालिक ठेकेदार रितिन टंडन ने बताया कि उनके गोदाम से 3 अज्ञात चोरों ने 4 से 5 लाख रुपए की कॉपर की तारों के बंडलों की चोरी की है, जो अपने आप में एक बड़ी चोरी है। एक माह पहले भी अज्ञात चोर उनके गोदाम में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं, जिसकी सूचना उन्होंने बबीना थाने में दी थी, लेकिन उस समय FIR दर्ज नहीं की गई थी, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने एक माह बाद बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़ित ठेकेदार रितिन टंडन ने बताया कि अगर बबीना पुलिस 2 दिन के अंदर उक्त चोरी का खुलासा नहीं कर पाएगी तो उन्हें मजबूरन होकर पुलिस कप्तान के पास जाकर गुहार लगाना पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर इसी सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल नगर अध्यक्ष दीपक गुप्ता के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक बबीना वेद प्रकाश पांडे से मिले। थाना प्रभारी निरीक्षक को ज्ञापन देते हुए उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने मांग की है कि उक्त चोरी का शीघ्र खुलासा किया जाए, क्योंकि ठेकेदार रितिन टंडन उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल बबीना के संरक्षक भी हैं। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने बबीना कस्बे में पूर्व में छोटी मोटी चोरियों के खुलासे की भी मांग की है, साथ ही नगर में व्याप्त अतिक्रमण जैसी समस्याओं से भी अवगत कराया। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष दीपक गुप्ता समेत कोषा अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, मंत्री सतीश सेन, शुभम सोनी, उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, हंसराज अग्रवाल, सुरेंद्र जैन, वरिष्ठ व्यापारी किशन अग्रवाल और राहुल अग्रवाल मौजूद रहे। संवाददाता आरिफ मंसूरी के साथ रफीक रायन की रिपोर्ट। मैं MES में ठेकेदारी करता हूं और मैसर्स रितु टंडन नाम से मेरी फर्म है। इसलिए अभी 14 तारीख को मेरे गोडाउन में 3 आदमी उतरे हैं और 3 आदमी अंदर जा कर के उन्होंने ताला तोड़ा है। ताला तोड़ करके पहले तो जो कुछ सामान रखा हुआ था, नया सामान आया था, पूरा बंधा हुआ सामान था, बोरियां पैक थी, उसमें पूरे कॉपर के बंडल थे, वो पूरे बंडल उठाए हैं और उसके बाद उन्होंने और 2 बोरियां भरी हैं। उन 2 बोरियों में भी पूरे कॉपर के बंडल उन्होंने भर करके और 3 आदमी वो जो आए थे उधर से पानी गुरारी वाली नदी से वहाँ से आए और वहीं से वो ले करके लगभग 1 घंटा मेरे गोदाम पर रहे और पूरा माल लेके गए हैं, जिसकी सूचना मैंने 15 तारीख को थाने में दी और मेरी 17 तारीख को FIR लिखी गई है और तब से इन्वेस्टिगेशन पुलिस बराबर कर रही है। मेरे पर पूरी सूचना आ रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं चाहता हूँ पुलिस से केवल एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे भी हो इस केस का खुलासा मुझे चाहिए है, क्योंकि चोरी बहुत लंबी हुई है, 4 से लेकर 5 लाख तक के बीच की चोरी बहुत होती है। इससे पहले भी कभी आपके गोदाम पे हुई? इससे पहले मेरे यहाँ 1 महीने पहले चोरी हुई थी, उसमें मेरे यहाँ से पंखे लेके गए थे, उसकी भी सूचना मैंने पुलिस को दी थी। तब FIR हुई थी? तब FIR नहीं करी गई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि ठीक है हम लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आपको जल्दी जल्दी बता देंगे कि कौन चोर है, लेकिन उस समय कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद जो दोबारा जो चोरी हुई है उसमें ये लोग अभी लगे हुए हैं। मेरे को पूरी सूचना मिल रही है कि ये लोग सुबह से लेकर रात तक लगे तो हैं, काम तो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बबीना पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाएगी? मुझे उम्मीद लग रही है कि वो इस खुलासा करेंगे, क्योंकि वो लोग सुबह से लेकर और रात तक लगे हैं, काम कर रहे हैं और जहाँ तक है खुलासा होगा। अगर खुलासा 2 दिन में नहीं होता है तो फिर मैं कप्तान साहब के पास जाऊँगा। आज से दो दिन में अगर नहीं होता है मैं कप्तान साहब के पास जाऊँगा। कितने का चोरी हुई है? लगभग 4 से लेकर 5 लाख के बीच में। बबीना के सारे व्यापारी किस सिलसिले में आए? हम सभी व्यापारीगण आज जो हमारे संरक्षक महोदय श्री रितिन टंडन जी हैं, उनका सेना क्षेत्र में स्थित जो गोदाम स्टोर था उस पर लगभग 5 लाख रुपए की चोरी हुई थी। उस संबंध में हम लोग आज थाना अध्यक्ष महोदय से इस चोरी के खुलासे के लिए निवेदन करने के लिए आए थे। हम लोगों की बात थाना अध्यक्ष जी महोदय ने बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी, हमारे ज्ञापन में दिए गए बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। इसके बाद माननीय थाना अध्यक्ष जी महोदय ने कहा है कि हम अपनी पूरी शक्ति के साथ इस चोरी के खुलासे के लिए लगे हुए हैं और जल्द ही इसमें सफल होंगे। ज्ञापन में कौन कौन से बिंदु थे, आपके मुख्य बिंदुओं के बारे में बताएं कुछ? मुख्य बिंदु हम लोगों के ये थे कि जो चोरी की घटना हुई है उसका खुलासा हो और उसमें जो माल चोरी गया है वो बरामद किया जाए। इसके बाद
एक दो छुटपुट घटनाएं और भी हुई हैं नगर में जो असफल प्रयास हुए हैं ताले चटका के चोरी करने के, इसलिए नगर में गश्त बढ़ाई जाए पुलिस की, जिससे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। तमाम जो है व्यापार मंडल चल रहे हैं, किस व्यापार मंडल से ताल्लुक रखते हैं आप? हम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल से संबंधित हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय पटवारी जी हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग व्यापारियों की जो भी परेशानियां हैं उनको हल करने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। क्या आश्वासन मिला है आपको प्रभारी निरीक्षक जी से? प्रभारी निरीक्षक जी ने हम लोगों को पूर्ण तरह आश्वस्त किया है कि जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। बाय द वे नहीं कर पाए तो आप लोग क्या करोगे? हमको माननीय थाना अध्यक्ष जी की बात पर विश्वास करना चाहिए, आगे फिर देखते हैं, उस हिसाब से अगर नहीं हुआ कुछ तो फिर उस तरह की रणनीति बनाई जाएगी। जो पीड़ित हैं जिनके यहाँ चोरी हुई है, ऋतु टंडन ठेकेदार साहब के यहाँ, उन्होंने अभी हमें अपने वक्तव्य के दौरान बताया कि अगर दो दिन के अंदर पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं करती है तो हम कप्तान साहब के पास जाएंगे, तो ऐसा आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? नहीं, हम लोग अभी आज मिलने आए हैं थानाध्यक्ष महोदय से। थानाध्यक्ष महोदय जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि चोरी का खुलासा जल्दी किया जाएगा,